दोस्तों, तो स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से एक नए ब्लॉग पे। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज मैं जा रहा हूं रंगल बीच। एक्चुअली मैं जस्ट 50 मीटर की ही दूरी पे रंगल बीच से खड़ा हूं, क्योंकि मैंने पूरा रास्ता इस बार कवर नहीं किया। क्योंकि मैंने आपको बता दूं कि मैं जब अक्सा बीच आया था, उसका भी मैंने व्लॉग है मतलब चैनल पे, तो उसका मैंने पूरा रास्ते का डिटेल ये सब डाला था। जस्ट अक्सा बीच का जो बस स्टॉप है उससे 3 से 4 बस स्टॉप दूर है रंगल बीच का जो बस स्टॉप है, और जस्ट उसके सामने ही अपोजिट साइड में ही रास्ता, मतलब जहाँ बस स्टॉप पे आप उतरेंगे तो जस्ट उसके सामने ही रास्ता आया हुआ है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यही मतलब जो रास्ता है यही आया हुआ था। तो अभी ये जाते वक्त मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। आज सोचा कि सबसे पहले जो है व्लॉग स्टार्ट होते ही ना, तो सबसे पहले मैं आपको बीच दिखाऊंगा, एंड देन उसके बाद से जो है पूरा आपको जाते वक्त पूरा गांव और ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको अक्सा बीच तो मैं पहुँच ही गया, और आप देख सकते हैं कि ये जो यही चर्च है, ये जस्ट अक्सा बीच के मतलब जो अक्सा बीच बोला यार, बार बार मुँह से अक्सा बीच ही निकल रहा है। रंगल बीच जो है जस्ट उसके ही किनारे पर ही ये चर्च है, और ये बहुत बड़ा चर्च है। इस चर्च का नाम आपको मैं बता दूँ, इस चर्च का नाम है संत बोनावेंचर चर्च। इंग्लिश में तो इसको बोलेंगे सेंट बोनावेंचर चर्च। और इसकी स्थापना मतलब ये जब बनके तैयार हुआ था 1575 में, और यह बनवाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, जिन्हें इंग्लिश में पोर्चुगीज कहते हैं। आई होप कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही होगा। और जस्ट इस चर्च के अपोजिट साइड में जस्ट आप देख सकते हैं कि ये भगवान भोलेनाथ की मंदिर है, छोटे से मंदिर है। तो ये भी एक ताज्जुब है कि भाई सामने चर्च और दूसरे साइड पे मंदिर है। तो दोस्तों वीडियो को ना अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में ना मैं पूरा खर्चा और पूरा रूट का मतलब डिटेल दे बताऊंगा आपको। और उससे भी बढ़ के बात है कि भाई आपसे ना कुछ बात करनी है, मतलब कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा और कुछ मतलब सजेशंस भी मांगूंगा आपसे। तो प्लीज़ उसका रिप्लाई कमेंट करके ज़रूर देना, और वीडियो ना पसंद आएगा ना तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते फिर। दोस्तों आप जैसे कि नज़ारा देख सकते हैं कि मैं रंगल बीच पे पहुंच गया हूँ, और आपको दिखा भी दिया था कि मतलब अभी ये रंगल बीच कैसा दिखता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं यार कि ये बीच ना बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा बीच हो चुका है ये। आज मैं मतलब यहाँ पे रंगल बीच पे मैं आया था करीब आज से 10 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, उसके बाद से मैं कभी यहाँ पर नहीं आया था। तो भाई उस टाइम बीच बहुत अच्छा लगा था, एक्चुअली मैं यहाँ पर क्रिकेट खेलने आया था, बट उसके बाद से कभी यहाँ आना नहीं हुआ। तो यही इस बार मैं आया हूँ 2022 में। तो यहीं से दाना पानी थोड़ी दूर में, यहाँ से दाना पानी चालू होता है और जस्ट उसके पीछे अक्सा। तो दोस्तों अभी उस साइड ही मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैं यहाँ पे जब आया था ना, तो एक YouTube का मतलब चैनल पे देखा था कि वो भाई सब बता रहे थे कि भाई जहाँ मैं पत्थर साइड पर जा रहा हूँ कि यहाँ पर ना सांप ये सब उनको दिखाई दिया था। तो अभी तो मुझे तो कुछ ऐसा आइडिया तो नहीं है, क्योंकि जब मैं आज का 10 साल पहले आया था तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया था। शायद उनको दिखाई दिया, मैं उनको ऐसा नहीं बोल रहा कि उन्होंने कुछ ऐसा मतलब झूठ या गलत बताया होगा। चलता हूँ मैं खुद देखता हूँ। इस टाइम दोस्तों हवा तो बहुत तेज़ चल रही है, उम्मीद करता हूँ कि यार आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हवा की वजह से ना आवाज़ बहुत फड़फड़ाहट की टाइप की आ सकती है। दोस्तों यही जैसे आपको मैं बताया था कि बीच बहुत ही ज़्यादा कचड़े से भरा हुआ था, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ही कचड़ा यहाँ पर हुआ है। यह बीच मुंबई के मतलब नामी बीचों में नहीं आता है, जस्ट एक है कि मतलब यहाँ पे पर्यटन मतलब पब्लिक यहाँ पे ज़्यादा घूमने फिरने नहीं आती है। बस यही कि अदर मौसम में यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलने ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लोगों का मतलब आना जाना कम रहता है, तो जिसकी वजह से लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलने ये सब आते हैं। और ख़ास करके मेरे एरिए के लड़के लोग ज़्यादा ही यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते हैं। आज से 5 मिनट बीच तो चलूँगा, तो यहाँ से दाना पानी बीच चालू हो जाएगा, और दाना पानी बीच के बाद आता है वहाँ पर अक्सा बीच। तो ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ से नहीं है, बट भाई यहाँ पे तो मैंने देख लिया, कम से कम 15-20 मिनट तो मैं यहाँ पे रह लिया, और मुझे तो सच बताओ तो मुझे एक भी सांप नहीं दिखाई दिया। चलिए भाई उनके टाइम पे उनको दिखाई दिया रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। और आपको एक चीज़ और बता दूँ भाई, ये जो बीच है ना, एक्चुअली यहाँ पे मोस्टली कपल्स ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं रहता है क्रिकेट खेलने के अलावा। जैसा कि आपको मैं दिखा दूँ कि आपको साथ कैमरे में ना दिखाई दे, वहाँ पर 4-5 बाइक खड़ी है, और जहाँ मेरे पीछे जगह है वहाँ पर वो कपल्स लोग ही बैठे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये भाई उनको डिस्टर्ब करना या फिर उनको ऑकवर्ड लगाना ऐसा तो अच्छा नहीं लगता अपने को भी। अपन है सिंगल तो भाई दूसरे को क्यों उंगली करें। और आपको बता दूं कि ये बीच बहुत ज़्यादा खास नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करने का कि मैं ये दिखाऊँ, देखो कुछ इसमें है नहीं खास। और यहाँ पर पब्लिक भी कम आती जाती रहती है। अगर गवर्नमेंट इस बीच के बारे में अगर ध्यान दे, क्योंकि बीच जो है ये बहुत बड़ा बीच है, ये भी छोटा बीच नहीं है, लेकिन यही है कि अगर गवर्नमेंट इसके ध्यान नहीं दी, साफ़ सफाई नहीं कराई, तो फिर ये ऐसी कचड़ पट्टी यहाँ पर मचा रहेगा। तो जैसे वर्सोवा का क्लीनअप हुआ था वर्सोवा बीच का, अगर वैसा ही इस बीच का भी साफ़ सफाई पर ध्यान दें तो यह बीच भी अपना एक नाम करेगा मुंबई में।
मुझे यहाँ पे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अब मैं ज़्यादा यहाँ पे रुकना नहीं चाहता, क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पे ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा है और मन भी नहीं कर रहा रुकने का। बड़ा अजीब सा लग रहा है ये बीच, कि मतलब बीच कम कचड़ा ही ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। मैं आपको आज का खर्चा बता दूँ कि आज मैंने जो 269 बस पकड़ा था, वो मैंने पकड़ा था बोरीवली स्टेशन से। एक्चुअली वहीं से वो बनती है, मतलब वहीं से स्टार्ट होती है वो। तो मुझे टिकट पड़ा था कुछ 19 रुपये का। एक्चुअली मैंने चलो ऐप बस स्टॉप, मतलब बस का जो हमारे मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है चलो ऐप करके, मैंने उस पर देखा था। एक्चुअली मुझे एक स्कीम मिला था चलो ऐप, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ 1 रुपया पड़ा था। तो मैंने लेकिन ऐप पे देखा था, तो यहाँ के डिस्टेंस मतलब यहाँ के टिकट का बता रहा था 19 रुपया बोरीवली स्टेशन से। एक्चुअली आपको यहाँ पे आना है तो आप मलाड स्टेशन से भी आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको 271 बस पकड़ना पड़ेगा। और दोनों बस 269 और 271, जो दोनों बस मैं आपको बता रहा हूँ, कि उस बस पे आप एक चीज़ ध्यान से देख लेना, जो मतलब नंबर प्लेट जो रहता है, नंबर के बाजू में लिखा रहता है कि इस बस की डेस्टिनेशन क्या है। तो मर जट्टी भाई ध्यान से देख लेना वीडियो का। यार ज़रा कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो में कुछ है, आपको सजेशन देना है कि हाँ कुछ कमी रह गई, कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता था, कुछ और अच्छा इसमें डाल सकते थे, प्लीज़ सर कमेंट करके ना ज़रूर बताया करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और सुधार करूँ और आपसे ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन बना पाऊँ। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कि अगर आप कुछ चाहते हैं कि मतलब मुंबई में कोई ऐसी जगह देखना चाहते हैं कि जिसका मतलब मैं व्लॉग वीडियो जो भी है चैनल पर डालूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं कि जिस भी जगह का आप बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उस जगह का जाके आपको व्लॉग बनाऊं और आपको दिखाऊं। आज का जो व्लॉग था ये बहुत ज़्यादा खास, मुझे सच बताऊं ना तो इस जगह का मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, समुद्र किनारा है, खूबसूरत तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे कचड़ा के हिसाब से मुझे सब ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि खाली भटक रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा भी दूर, बहुत ज़्यादा देर भी मैं नहीं रुका, लेकिन अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो आपको मैं खर्चा भी बता दिया कि मतलब कितना आया, अब यहीं से बस पकड़ूंगा। और चलो चलो ऐप जो है भाई उस पर देख लिया, तो बस दिखा रहा 5 मिनट के अंदर है, तो सीधा पकड़ूंगा, 15 से 20 मिनट के अंदर मैं घर पर पहुँच जाऊँगा। रोड से मतलब जब आप बस स्टॉप से मतलब बस स्टॉप पर आएँगे और बस से उतरेंगे, मतलब स्वाभाविक सी बात है यार कि बस स्टॉप पर आएंगे तो बस से उतरना ही पड़ेगा, तो जस्ट वहीं से ही यह गाँव चालू हो जाता है रोड से। और यह गाँव ख़त्म मतलब जैसे होता है वैसे बीच चालू हो जाता है। तो यह गांव मतलब आपको पार करने में ना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा। आराम से भी चलेंगे तो 5 मिनट के अंदर यह गांव ख़त्म हो जाएगा और फिर बीच चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं अब सीधा जा रहा हूँ बस स्टॉप पे, और वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि 5 मिनट में दिखा रहा था कि 271 आ रहा है। तो अभी देखते 271 पहले आती, क्योंकि मैंने 269 का नहीं देखा था। तब दोनों से कोई भी एक बस मिलेगी तो मैं सीधा निकल जाऊँगा घर की ओर। आप देख सकते हैं कि जैसे यही बस स्टॉप पे मैं उतरा था, और जस्ट इसी के आप देख सकते हैं कि ये सामने ये रास्ता जो आप देख पा रहे हैं, ये रास्ता पकड़ के जो सामने गया है, यही पकड़ के मैं सीधा गया था एरंगल बीच की ओर। ज़्यादा नहीं 5 मिनट चलना पड़ा था, और यहीं से गाँव चालू होता है, गाँव ख़त्म होता है, एरंगल बीच चालू हो जाता है। तो बस दोस्तों रही रहा, तो फिर चलिए ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग यहीं पर, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।